जैसे आशीष बाजपेई और आज हम यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम से मॉडुलेशन डी मॉडुलेशन से जो क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए हैं जेई मेंस में वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्विस इज वर्किंग एट अ कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 GHz। ठीक है, ओनली 10% ऑफ इट इज यूटिलाइज फॉर ट्रांसमिशन। How many telephonic channels can be transmitted simultaneously if each channel require a bandwidth of 5 kHz? तो देखिए क्या होता है यहाँ पर कि जो telephonic communication service है उसके पास जो frequency की range है वो है 10 GHz, उसी से उसको जो है signals को transmit करना है। अब बोल रहे हैं कि जो यूटिलाइजेशन है उसका केवल 10% ही यूटिलाइज कर सकते हैं, पूरा आप कर नहीं सकते गाइस। तो जो यूटिलाइजेशन है इस 10 GHz का वो 10% है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपको, हमेशा यूटिलाइजेशन दिया जाएगा, यूटिलाइजेशन परसेंटेज। अब कह रहे हैं कि अगर एक चैनल इतनी जो है फ्रिक्वेंसी लेता है तो जो इसका आपके पास सरप्लस है उसमें कितने चैनल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही बात, तो सिंपल ही है क्वेश्चन। आप 10 GHz का 10% निकालोगे तो दैट इज़ लाइक कट गया ये, तो 1 GHz आपके पास टोटल फ्रिक्वेंसी है आपके पास, और एक चैनल का जो बैंडविड्थ है दैट इज़ 5 kHz एक चैनल में लगता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे यूनिटरी वाले होते हैं, एन इंटू 5 kHz इज इक्वल टू 1 GHz। अगर एक 5 kHz लेता है तो एन कितने लेंगे, एन इंटू 5 टाइम्स, तो टोटल आपके पास कितना है 1 GHz। तो आप एन को सॉल्व कर लो, दैट इज़ 1 GHz अपॉन 5 kHz। अब बस वैल्यूज़ यहाँ रख दो, 1 × 10⁻⁹ हो गया, गीगा मतलब 10⁹। ठीक है, गीगा बाइट GB आपने सुना होगा, 5 × 10³। अब इसको मैं 10⁸ करके 10 लिख देता हूँ, जिससे कैंसिल हो जाए, तो ये 2 हो गया और ये 10⁵, यानी कि 2 × ये भी हर्ट्स में ही है तो कैंसिल हो गया। तो कितने चैनल्स हो गए गाइस, 2 × 10⁵ विच इज़ सी। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट वी नीड टू नो दिस फंडा एंड देन द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी इजी। So let's do now question number 2 that was also asked in JEE Mains 2018. A carrier wave of peak voltage 14 volt is used for transmitting a message signal. The peak voltage of modulating signal given to achieve a modulation index of 80% will be. ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो कैरियर वेव है उसका पीक वोल्टेज 14 वोल्ट है और हमें पीक वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पता करना है। तो गाइज मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो M होता है उसका जो है दैट इज़ बेसिकली VOM अपॉन VOC, यानी कि मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय कैरियर का पीक वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज़ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इन दोनों का रेशियो 80% है, यानी कि 80% को 80/100 करोगे तो 0.8 आएगा, और मैसेज सिग्नल आपका हमें निकालना है कि उसका कितना है, एंड दिस इज़ लाइक 14। तो मैसेज यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आपका जो पीक वोल्टेज आ रहा है दैट इज़ 14 × 0.8, और 14.8 जा कितना होता है 112, यानी कि 11.2 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर है। तो अब देखिए मतलब कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जस्ट यू हैव टू ब्रश द फॉर्मूलाज, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3।
सो दिस क्वेश्चन वॉज, तो ये सब अलग अलग लाइक आप देखोगे अगर जे मेन्स में जितने भी पेपर हुए सब में एक एक क्वेश्चन गाइस मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन से आया था, और बिल्कुल देखो सिमिलर क्वेश्चन ही पहले पेपर में भी था. द नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट स्टेशन दैट कैन बी एकोमोडेट इन अ 300 किलो हर्ट्स बैंडविथ फॉर द हाइएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी 15 किलो हर्ट्स. तो आप खुद ही सोचो कि 300 किलो हर्ट्स की बैंडविथ आपके पास है टोटल, और उसमें एक जो हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी हो सकती है 15, तो कितने जो है चैनल्स आप बना सकते. तो दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ओनली एन टाइम्स, और एक का है 15 किलो हर्ट्स, और टोटल आपके पास जो फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है बैंडविथ की दैट इज 300 किलो हर्ट्स. तो सोचिए आप कितने 20 किलो हर्ट्स कैंसिल हो गया, तो कितने चैनल बना सकते हैं आप 20. तो आंसर क्या हो जाएगा ए. तो देखिए मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब गाइस. लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स गो थ्रू दिस फोर्थ क्वेश्चन. देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था. अभी जेईई मेंस 2018 का है. द कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसमीटर इज प्रोवाइडेड बाय अ टैंक सर्किट ऑफ अ कॉयल ऑफ एल एंड सी. तो गाइज अगर एल और सी दिया गया है और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही, तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है. तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक, ये तो एसी सर्किट में आपको पता ही होगा अल्टरनेटिंग करेंट चैप्टर में. रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/2 π√LC. ठीक है, तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी. इट इज़ मॉड्यूलेटेड बाय एन ऑडियो सिग्नल ऑफ 12, यानी कि मैसेज का सिग्नल है. द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑक्यूपाइड बाई साइड बैंड इज. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी रेंज होगी वो होती है आपकी FC+FM और FC-FM. तो यानी कि ये पहले और ये बाद में. ठीक है, ये हमारी साइड बैंड होती है, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो हमारी रहती है उसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं, यही रेंज होती है. वो रेंज हमको निकालनी है. तो बेसिकली FM तो हमें पता ही है 12 किलो हर्ट्स प्लस होगा और माइनस होगा. ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन को आप करना चाहें सिंपली विदाउट थिंकिंग टू मच की कैलकुलेशन के बगैर ही, तो देखिए क्या होगा कि जो रेंज होगा तो वो जो रेंज इनके बीच का होना चाहिए गाइस दैट शुड बी 2 times FM. अगर इनका सोचो कि आप डेल्टा इनका डिफरेंस निकालो तो 2 FM आना चाहिए. तो 2 FM यहाँ पे 12 का 2×24 हो जाएगा. तो देख लो कि इनमें डिफरेंस किस में 24 का है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, तो ये नहीं हो सकता. यहाँ पे भी 12 का डिफरेंस है, ये भी नहीं हो सकता है. यहाँ तो केवल 2 का ही डिफरेंस है, बिल्कुल ही नहीं हो सकता. यहाँ पे देखो 24 का डिफरेंस है, तो यही देख के हम आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं. लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता करनी है तो यू विल हैव टू लाइक कैलकुलेट FC फर्स्ट. तो 1/2 π और L की वैल्यू कितना है 49 × 10⁻⁶ और 2.5 × 10⁻⁹. अब ये 25 कर दूँ तो 10⁻¹० हो जाएगा. तो दिस इज़ लाइक 7 बाहर आ जाएगा और 5 × 5 × 2 = 10. तो 1/70 π और यहाँ कितना आएगा 10⁻¹⁶, यानी कि 10⁸ आ जाएगा. अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग 454.54 किलो हर्ट्स. ठीक है, ये आया. अब इसमें आप देख लो, इसमें आप 12 सब्ट्रैक्ट करो 12 ऐड करो तो यू विल बी गेटिंग दिस. तो बेसिकली इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी. इस तरीके से ऑप्शंस का यूज़ करके हम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. तो लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड लेट्स सी कि क्या है क्वेश्चन. सो लेट्स गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 5. तो आप लाइक देख सकते हैं कि 2018 के सभी पेपर में इससे क्वेश्चन आया था गाइज इस टॉपिक से, और 2017 का भी देख रहे हैं कि इसमें भी आया था. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 4 नंबर तो लाइक बढ़िया आसान है अगर आप ढंग से केवल मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लें. तो क्वेश्चन है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन साइनोसाइडल कैरियर फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा सी एंड द सिग्नल फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय ओमेगा एम. द बैंडविथ डेल्टा एम ऑफ द सच दैट कि बैंडविथ इज लेस दैन ओमेगा सी. बैंडविथ इज लेस दैन ओमेगा सी.
देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज नॉट कंटेन्ड इन द मॉडुलेटेड वेव. तो चलिए देखते हैं हम. तो आपने अभी पढ़ा था कि जो साइड बैंड होता है, अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, कि साइड बैंड जो होता है वो आपका एफ सी प्लस एफ एम यानी कि डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एम, ये हायर साइड बैंड है, और जो लोअर साइड बैंड है आपका दैट इज डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू एम. तो ये और इनके बीच में जो रहते हैं वो सारे कैरी होते हैं. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो मॉडुलेटेड वेव आएगा यानी जो मॉडुलेशन करेंगे हम, तो उसमें कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी नहीं है, कौन सी फ्रिक्वेंसी नहीं, मतलब तीन होंगी और एक नहीं होगी. तो ये तो पक्का ही है बिकॉज दिस इज़ हायर साइड बैंड, तो ये तो कैरी होगी और ये भी कैरी होगी ओमेगा, यानी कि ए और बी तो है. अब देखो अगर इनका एवरेज करें हम, तो जब भी कोई भी दो नंबर दिए जाते तो उनके अगर हायर नंबर हो लोअर नंबर हो तो एवरेज हमेशा बीच में रहता है. तो यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं. ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम डिवाइडेड बाई टू, तो ये कैंसिल. देखो ओमेगा सी भी है इसके अंदर, तो बस यही बचता है कि नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा. बाकी आप कुछ वैल्यूज़ रख के देख लो कि ये नहीं होगा. अगर आप ऐसा कंसीडर करेंगे कि जो इनके बीच का डिफरेंस है, जैसे मान लो अगर हम मान लें कि 40 का बैंडविड्थ है और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो 60 है, ठीक है, वो बड़ी होनी चाहिए बैंडविड्थ. यानी कि अब हम क्या करें यहाँ पर, 60 प्लस 20 80 हो जाएगा, और 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 80 और 40, ठीक है, लेकिन 40 का डिफरेंस उससे भी बड़ा होना चाहिए. तो इस तरीके कोई एग्जांपल आप लेके देख लो, बाकी तो ये इजी ही है. आप समझ ही गए कि ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना ओमेगा सी ग्रेटर दैन डेल्टा ओमेगा एम, तो ओमेगा एम आपका नहीं होगा मॉडुलेटेड फ्रिक्वेंसी में. ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हम लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम के मॉडुलेशन डीमॉडुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखे हैं. तो ये टॉपिक आप जो है एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, एंड बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं गाइस. और फिर आप देखेंगे कि फ़ोन नंबर का क्वेश्चन इससे लगातार आप पूछा जा रहा है, तो लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिसेंटली आजकल काफ़ी मॉडर्न फिजिक्स में ये सारे क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे हैं, बिकॉज कि आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो वहाँ पर ये सब आपको पढ़ना होता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर ऑसम प्रॉब्लम्स. बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.